हेलो माय क्यूरियस फेलोज, आज के इस वीडियो में हम फिशेज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फिन्स, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम फिन्स को डिफाइन करते हैं। फिन्स को हम दूसरे लफ्जों में मछली के पैर या पर भी कहते हैं, ठीक है ना। यानी ये मछली के पैर वगैरह होते हैं जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, हरकत करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। तो फिन्स को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, डिस्टिंक्टिव एनाटॉमिकल फीचर कंपोज ऑफ स्पाइंस आर रेस्ट फॉर ट्रूडिंग टू द वाटर, ठीक है। ये क्या है, डिस्टिंक्टिव एनाटॉमिकल फीचर। डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है यानी डिफरेंट टाइप्स के, मुख्तलिफ किस्म के। एनाटॉमिकल यानी इसके स्ट्रक्चर है। एनाटॉमिकल फीचर, डिस्टिंक्टिव एनाटॉमिकल फीचर का मतलब होता है यानी एक वसीम मुख्तलिफ एनाटॉमिकल यानी इसका जो साफ्ट होता है वो खसूसियत है, इसका फीचर है। कंपोज ऑफ स्पाइंस, जो कि स्पाइन से बने होते हैं, आर रेस या रेस से बने होते हैं, प्रोट्रूडिंग टू द वाटर, जो कि वाटर यानी पानी को क्या हुए होते हैं, प्रोट्रूड होते हैं। प्रोट्रूड मानी का मतलब होता है बाहर निकले होते हैं वाटर की तरफ। रेस आर बेसिक यूनिट ऑफ फिन्स, जो रेस है ये क्या है, ये फिन्स के बेसिक यूनिट्स है। अगर आप लोग इस स्ट्रक्चर पर गौर करें, फॉर एग्जाम्पल ये एक फिश है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये सारा एक फिन्स है, और इसकी ये जो है ये वाली चीज ये क्या है, ये इसमें रेस लगे हुआ, रेस लगे हैं। तो ये फिन्स असल से किस चीज से बने हैं, ये इस रेस से बने हैं, ठीक है। ये सारा ये क्या है, फिन्स है, और ये जो लाइंस दिख रहे हैं आप लोगों को ये क्या है, ये रेस है। तो हम कह सकते हैं कि रेस आर द बेसिक यूनिट ऑफ फिन, यानी जो फिन है वो किस चीज से बने होते हैं, रेस से, या रेस जो है वो फिन्स के बेसिक यूनिट्स है। जिस तरह दीवार जो होता है उसका बेसिक यूनिट क्या होता है, ईंट। अगर हम सेल बॉडी पर बात करें तो हमारे बॉडी की बेसिक यूनिट क्या है, सेल। इस तरह फिन्स की जो बेसिक यूनिट्स होती है वो क्या होगी, वो रेस होगी। अच्छा, ये फिन्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं, यूज फॉर स्विमिंग, बैलेंसिंग, टर्निंग डायरेक्शन। ये तो स्विमिंग के लिए यूज होती है। दूसरा बैलेंसिंग यानी अपनी बॉडी को बैलेंस रखने के लिए वाटर में, इसके लिए यूज होती है। टर्निंग डायरेक्शन या अपनी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी ये क्या होती है, यूज होती है। इट इज अ लॉन्ग स्पिंडल शेप और बोनी स्ट्रक्चर। ये क्या है, ये लॉन्ग स्पिंडल शेप की तरह है या बोनी स्ट्रक्चर होता है। मेड अप ऑफ कैल्शियम, ये बात याद रखें कि जो फिन्स होते हैं ये असल में कैल्शियम से बने होते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, फॉर एग्जाम्पल ये एक फिश है, तो इसके बाहर की तरफ इस तरह क्या होते हैं, ये एक फिन्स है, ये सारा एक फिन्स है जो कि अंदर से किस चीज से बना है, रेस से बना है। अच्छा, अब इस फिन्स के जो है ना टू ग्रुप्स है, इसको हमने टू ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं एक्टिनो टेराइडी और रे फिन फिश, इसको हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं। दूसरा क्या है, लोब फिन रे फिश, लोब फिन फिश। सबसे पहले हम रे फिन फिश को जानते हैं कि ये क्या है। 50% ऑफ टोटल वर्टिब्रेट, मतलब ये है कि जो 50% जितने भी लिविंग वर्टिब्रेट्स है फिश के, वो क्या है, वो रे फिन फिश है। इसके एग्जाम्पल क्या है, स्टार्जन, ईल फिश, कैट, डॉग फिश, फ्लाइंग फिश, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है। और रे फिन फिश असल में ऐसे फिश होते हैं जिसमें जो फिन होते हैं वो रेस के बने होते हैं, ठीक है ना। फिन जो होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं, रेस के बने होते हैं। एंड ये क्या है, ये ट्रू फिश है। और ये क्या है, 50% जितने भी फिश है उनके 50% क्या है, वो रे फिन फिश है, और इसमें जो फिन होते हैं वो रेस के बने होते हैं। सेकेंड टाइप है लोब फिन फिश, लोब फिन फिश, इसमें क्या होते हैं, रेस आर रिप्लेस्ड बाय स्मॉल फ्यूज्ड बोन्स मॉडिफाइड इनटू लिम्स और फिश। जो रेस होते हैं ये क्या हुए होते हैं, यानी इसमें रेस नहीं होते, रेस रिप्लेस हुए होते हैं बाय स्मॉल फ्यूज्ड बोन, स्मॉल फ्यूज्ड बोन के जगह पे, यानी जो यहाँ पर तो रेस होते हैं लेकिन यहाँ पर स्मॉल बोन्स होते हैं, यहाँ पर रेस नहीं होते बल्कि स्मॉल बोन्स होते हैं, मॉडिफाइड इनटू लिम्स और फिन्स, जो कि मॉडिफाइड होते हैं लिम्स को या फिन्स को, यानी इसमें या तो फिन्स होंगे या लिम्स होते हैं। तो अगर लिम्स है तो मतलब वो तो फिश नहीं है, वो कोई और है, यानी और अगर फिन्स है तो मतलब क्या है, ये फिश है। यानी हम कह सकते हैं कि इस कैटेगरी में फिश भी आते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म भी आ सकते हैं, ठीक है। अगर फिन्स है तो वो फिश होंगे, अगर लिम्स है तो वो कोई और ऑर्गेनिज्म होगा। तो हम ये बात कह सकते हैं कि लोग फिश में सिर्फ फिश नहीं आते, और भी दूसरे ऑर्गेनिज्म भी इसमें आ सकते हैं, हम यहाँ पर एग्जांपल में डिस्कस करेंगे। तो इसके एग्जांपल क्या है,
लेटिमेरिया, सिलान कैंथस, लॉन्ग फिश जिसको हम डिप्नोई भी कहते हैं, और टेट्रापोड्स जैसे एम्फीबिया, रेप्टाइल, फ्रॉग्स एक्सेट्रा। ये टेट्रापोड्स जो है ये क्या है, ये रेप्टाइल्स, फ्रॉग एक्सेट्रा। तो ये क्या है, ये वो टेट्रापोड्स है, एम्फीबिया, रेप्टाइल एंड फ्रॉग्स एक्सेट्रा, जो कि लॉन्ग फिन फिश में आते हैं। और इसमें क्या होंगे, इसमें फिन्स नहीं होंगे बल्कि लिम्स होंगे, ठीक है ना। और ये जो बाकी फिश है इसमें क्या होंगे, फिन्स होंगे। तो ये क्या था, ये सब फिशेज का इंपॉर्टेंट टॉपिक फिश के मुताबिक था। थैंक यू सो मच।